राजधानी दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज LNGP अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज हम औचक निरीक्षण को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं, डेंगू को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया और मंकी पॉक्स का एक मरीज पाया गया है, इसे लेकर जानकारी हासिल की। इसके आगे उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के मरीज की विदेश की ट्रेवल हिस्ट्री है, मरीज अभी स्थिर है, उसे आइसोलेशन में रखा गया है। आज हम एक सरप्राइज इंस्पेक्शन पे लोकनायक हॉस्पिटल में आए हैं और डेंगू की क्या तैयारियां हैं, डेंगू का अगर मरीज आता है तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे और मंकी पॉक्स का एक पेशेंट जो है हमारे यहाँ कन्फर्म हुआ है उसके विषय में जानकारी हासिल की है। ये जो पेशेंट मंकी पॉक्स का है, ये ट्रैवल है, इसकी हिस्ट्री ट्रैवलिंग की रही है, तो माना जा रहा है इसने देश में बाहर जब था तब इसने इसको जो है इन्फेक्ट हुआ है। अभी पेशेंट स्टेबल है और हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड है वहाँ पे उसको अलग से हमने आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, उसकी हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। दूसरी बात, डेंगू की तैयारियां हमने देखी हैं कि किस तरीके से अगर कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो कैसे उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर कैसे आप उसको अलग वार्ड के अंदर जो है शिफ्ट करेंगे, तो उसका एक जायजा हमने लिया है। और इस तरह से और हॉस्पिटल्स में भी सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे ताकि इन केस जरूरत पड़ती है तो अस्पतालों के अंदर तैयारियां पूरी हों।